हाय गाइस, एंड मैंने थोड़े टाइम से वीडियोस पोस्ट नहीं करे हैं, सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं रेगुलरली करने वाली हूँ. सो आई होप कल का जो सीएस एग्जीक्यूटिव का जेआईजीएल का एग्ज़ाम है उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं. सो आई होप ये तुम लोगों के काम आए. जब मैं दे रही थी एग्ज़ाम तो उसका नाम था आईएलजीएल, लेकिन तब भी पैटर्न सेम था, एमसीक्यूज ही आते हैं. तो देखते हैं इसको कैसे डील करना है. एक्चुअली बच्चे मानते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, विच इज़ ट्रू. मतलब बोरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हाँ बोरिंग तो हैं बट वास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू का एग्ज़ाम है. अब ये जो एमसीक्यू होता है इसमें ये लोग उठा के इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी पूछ लेते हैं. तो मॉड्यूल से स्टिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉड्यूल की कोई भी लाइन को उठा के ये लोग उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देते हैं. मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मुझे ये वाला एग्ज़ाम 2 बार देना पड़ गया था. फर्स्ट टाइम में आई वॉज़ लाइक ओ शेट, ये क्या दे दिया इन लोग ने भाई, ये तो कोई भी लाइन उठा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं लोग. तो ऐसा ही होता है, ठीक है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी थिंग. सो अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत स्टार्ट करते हैं कि क्या आप लोग को ट्रिक्स यूज़ करनी है जो कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इफेक्टिव थी. प्रोफेशनल भी मेरा हो चुका है, सो मैं प्रोफेशनल के लिए भी, जो कल एथिक्स का पेपर है उसके लिए भी बताऊँगी. ओके सो चलो देखते हैं. सबसे पहली चीज़ तो है, ओके गाइस, सो पहली चीज़ तो आई डोंट नो, अगर तुम लोग को मेरे एंड पे थोड़ा सा शोर आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि घर पे कुछ काम चल रहा है एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा है मेरे घर पे, तो वो लोग थोड़ा शोर करते रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि डोंट लीव एनी चैप्टर, बिकॉज इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि तुम लोग सब कुछ पढ़ के जाओगे, ठीक है. तो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, भले ही वो कितना भी वास्ट हो, तुम्हें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है. ये मत सोचना कि अनइम्पॉर्टेंट है या फिर बाकी बचे हुए चैप्टर्स तो हैं ही, उसके हिसाब से स्कोर हो जाएगा. तो ये सब कभी मत सोचना, क्योंकि अगर तुम 100% पेपर भी अटेम्प्ट करते हो, 100% तो नहीं करोगे क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है. हाँ, तो सारे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना बिकॉज नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो जितने मार्क्स मिलेंगे नहीं उससे ज़्यादा तो माइनस में चले जाते हैं, ठीक है. तो फिर भी कोई चैप्टर छोड़ना नहीं, एक बार भले ही इन डिटेल मत पढ़ो लेकिन ऊपर ऊपर से देख ज़रूर लेना, क्योंकि वन वर्ड उठा के कोई भी चीज़ ये लोग पूछ लेते हैं. चलो ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, विच इज़ सी अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लोग मान के चलते हैं कि तुम लोग अमेंडमेंट्स भी देख के आए ही होगे. तो अमेंडमेंट्स के लिए तुम लोग को क्या करना है, इंस्टीट्यूट का जो खुद सप्लीमेंट आता है आईसीएसआई की साइट पे जाके, या तो वो देख लो, ठीक है. उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट चीज़ें उठा के देख लो, या फिर तुम लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लोग डालते रहते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में, ठीक है. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, लेकिन 5 नंबर के लिए अमेंडमेंट्स तो आते ही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कवर द मॉड्यूल. जो मैंने अभी तुम लोग को बोला कि इंस्टीट्यूट कोई भी लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है. तो तुम लोगों को पूरा मॉड्यूल कवर करना है, लेकिन यार अब तुम लोग का कल ही एग्ज़ाम है तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि तुम एक एक चीज़ अब पढ़ोगे बैठ के. तो मैं फिर भी बता रही हूँ फ्यूचर के लिए कि तुम्हें मॉड्यूल कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. लेकिन अभी के लिए कोशिश करना कि इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि टाइम है नहीं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू रिकॉल. ट्राई टू रिकॉल का मतलब है कि अब जितना पढ़ चुके हो एटलीस्ट उसको दिमाग में रखो. ये नहीं कि तुम लोग नया पढ़ते जा रहे हो और पुराना भूल गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है. इसीलिए अपने आप आंखें बंद करो, एंड एक काम कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके रिकॉल करो चीज़ों को, जो कुछ लिमिट्स होती हैं या फिर डेट्स होती हैं ये सब रिकॉल करो. नहीं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं करती थी वो ये है कि तुम लोग मॉड्यूल जो तुम्हारा है जेआईजीएल का, उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में चले जाओ, ठीक है. और एक कोई चैप्टर उठा लो और उसके लाइन से इंडेक्स की एक एक हेडिंग पढ़ते जाओ, और ये देखो क्या तुम्हें इसके अंदर की चीज़ तुम्हें याद आ रही है, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है मेक क्वेश्चंस ऑफ योर ओन. ये मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी यही करता है. जब वो क्वेश्चंस बनाता है, समझ लो जो सीएस बैठा है, जो एग्जामिनर है, कई सालों से उसका काम ही है ये क्वेश्चंस बनाना. तो या तो वो स्कैनर उठा के
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कुछ रिपीट करेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसलिए रिपीट किए जाते हैं, नहीं तो वो अपने आप से क्वेश्चंस बनाता है। तो तुम कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से आईपीसी हो गया, आईपीसी तुम उठा के देख लो उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उसमें क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है एग्जामिनर के लिए, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर कि तुम लोग से कोई भी टाइम लिमिट बार बार पूछता रहेगा या फिर ऐसी चीज़ें, वो तो नहीं करने वाला। लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैं नीचे बताऊंगी, तो उस पर ध्यान रखना। इसलिए जब तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि तुम्हें एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो तुम्हें 100% देख के ही जाने हैं, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, सही बात है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये भी तुम लोग को पता है, तो उसकी हेडिंग्स और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स हो गए और आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल नंबर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, या फिर पूछ लेंगे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या था, और पूछ लेंगे क्या ये था ये था ये था, और उसमें हो सकता है तीन चीज़ें ना हो, एक कोई चीज़ होगी, और तुम लोग ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो तीन चैप्टर्स हैं, सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, मुझे भी लगते थे, बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि तुम लोग के भी दिमाग में भर जाएंगी वरना चीज़ें, अभी तुम लोग को सिर्फ रिलैक्स रहना है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि ये तीन चैप्टर भी देख लेना, ये काफ़ी एक जैसे लगते हैं चैप्टर, तो इसलिए इतने ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ मेजर मेजर मोटी मोटी चीज़ें उठा के देख लो, सीपीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बड़ी बड़ी होती हैं, रेस जुडिकाटा एंड ऑल, वो सब देख लो, एंड सीआरपीसी में एफआईआर वगैरह का देख लो, ठीक है, और जो भी पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की, ये तो सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो ये सारे प्रोसीजर्स देख लो। आईपीसी में पेनल्टी यार पूछ लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जितना याद है उतना रखो, एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग में मत भरो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है। इसमें तुम्हें मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ ये जो कंसिलेशन होते हैं, या फिर सॉरी नॉट कंसिलेशन, द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के जो वेरियस मेथड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाला चैप्टर देख के जाना। एंड जो आर्बिट्रेटर का इंडिपेंडेंस होती है, ये पोर्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, ये सब ज़रूर देखना। और इन लोग को, इंस्टीट्यूट को बहुत मज़ा आता है कोई भी केस लॉ उठा के देने में, तो कोई भी चीज़ बता देंगे कि ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था, अब बताओ बैठ के, तो वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है टॉट्स। तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बन जाते हैं एमसीक्यू देने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कितनी सारी टाइप की लाइबिलिटीज़ हो गई, एंड कितने सारे इंपॉर्टेंट वो रैनल स्ट्रेचर पकाऊ जो केसेस होते हैं, तो वो सब एक बार देख लेना। मतलब ये चैप्टर जो हैं ये तो छोड़ने नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये 40 नंबर आराम से कैरी करते हैं ये चैप्टर्स, ठीक है। अभी तुमसे जितना हो पाए उतना करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अब इजी पोर्शंस पे आ जाते हैं, सो दैट तुम लोग का मोरल थोड़ा बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो इजी पोर्शंस पहले कर लो। उससे क्या है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, ठीक है, और तुम लोग में से जो LLB कर रहा है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये बहुत ईजी है। इंटरप्रिटेशन ईजी है, इसके कुछ लैटिन फ्रेजेस जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटरप्रिटेशन के अंदर घुस घुस के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो अच्छे से तुम्हें उसका लैटिन फ्रेज याद होना बहुत ज़रूरी है, और कोई अगर इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो वो भी ज़रूर तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इजी चैप्टर है स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये वाला तो बहुत ही ईजी है, मतलब बच्चों का गेम है ये, तो ये वाला भी देख लेना। एंड इसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी, जो तुम लोग का आई थिंक बहुत ही इजी चीज़ है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी का एक केस लॉ एक दो होंगी, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी मोस्टली यही रहता है कि व्हाट स्टैम्प, मतलब स्टैम्प लाइबल किन चीज़ों पर होता है किन पर नहीं होता। सेम कोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन कि मतलब कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किस में कराना होता है, एंड टाइम पीरियड क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मुझे लगता है आसान है, तो तुम लोग ये ज़रूर देख लेना। गिफ्ट ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पूछता है, गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन एंड स्टफ़, सो ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट है RTI एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ लाइक वन वर्ड आंसर, उसमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो मतलब वो जब जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब हेड्स हैं उनका वन वर्ड तुम्हें बस जो भी चीज़ दी हुई है उसका तुम्हें बस पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं। और RTI में जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मतलब RTI के लिए जब आप अपी वो करते हो एप्लीकेशन, तो जो पूरा प्रोसेस है वो होता है, ठीक है, तो RTI में बस वो चीज़ देख लेना। तो ये देखो आराम से मुझे लगता है 20 मार्क्स आराम से इसमें तुम लोग के आ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बच्चों वाले पोर्शन हैं, ठीक है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके भी है, मतलब वो फालतू है, मुझे नहीं पता वो क्यों दे रखा है। और ये सोर्सेज ऑफ लॉ ये सब महाबकवास चीज़ है, इनका कोई काम नहीं है ज़िंदगी में, मुझे तो आज तक नहीं पढ़ा, बट अब है तो तुम्हें काम चलाने के लिए मतलब पास होने के लिए देखना ही पड़ेगा। तो वो सब क्या बोलें, अब देख लेना, मतलब स्कैनर ही मुझे लगता है काफ़ी है उसके लिए। बट अगर कोई नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाए तो फिर उसके लिए यू हैव टू बी थरो विद द मॉड्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8 की क्वेश्चंस दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी। किस टाइप के क्वेश्चंस MCQ में आते हैं, उसका ये मतलब है कि जैसे अगर तुम कोई भी चीज़ उठा लो, अगर उसके मेथड्स दिए, जैसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के अगर मेथड्स दिए हुए हैं, तो उसका MCQ में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसमें इन लोग को MCQ क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, इनको खुद ही ऑप्शन में वो मेथड्स दे देंगे, एक मेथड उसमें से नहीं होगा तुम लोग को बताना होगा ये नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करो जिसमें मेथड्स दिए हों, जो टाइप्स दिए हों जिसमें, जैसे कि लाइबिलिटी के टाइप्स हो गए एंड स्टेप्स जिसमें दिए हों, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा MCQ बनाते हैं घुस घुस के इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, डेट्स, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है नंबर कैसे याद रखें, अब सबका डेट्स अलग अलग हो जाती हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गई तो इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो तुम्हें कुछ नंबर्स याद करने ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं चीज़ बता सकती हूँ कि जब भी तुम किसी भी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में अपील कर रहे हो, कोई भी अपीलिएट ट्रिब्यूनल हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर NCLAT हो गया, कोई भी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, तुम्हारे पास 45 डेज़ का टाइम होता है अपील करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, मतलब कि जैसे तुम नॉर्मल कोर्ट से कभी भी तुम हाई कोर्ट में जा रहे हो या फिर NCLT में जा रहे हो या फिर सभी में जा रहे हो, नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनके ऊपर अपीलिएट होता है, तो जो नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें जाने का तुम्हारे पास 30 डेज़ का लिमिट पीरियड होता है, 30 डेज़ फ्रॉम द जो भी तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन है, तो 30 डेज़ में वहाँ जाना होता है। एंड उसके ऊपर जब तुम्हें अपील करनी है तो 45 डेज़, ये हर जगह कॉन्स्टेंट होता है, तो इतना तो तुम लोग याद रख ही सकते हो, ठीक है। ओके, ये डूज हो गए, एंड डोंट्स देख लेते हैं जल्दी से। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट मिनट मगअप मत करना बैठ के सेंटर में, चुपचाप आज रात तक जितना करना है करो, क्योंकि बार बार एक जैसी चीज़ करोगे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी एंड यू डोंट वांट टू बी ऑल वर्कड अप, एंड मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ख़राब होता है उससे, ठीक है। तो आज भर में जितना हो पाए उतना करो, उसके बाद अपना शांति से कल सेंटर पर जाओ। और प्लीज़ रास्ता, अगर तुम लोग मेट्रो ले रहे हो या फिर कैब ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्लीज़ रास्ते में पढ़ाई मत करना, इट्स अ टाइम वेस्ट, इससे तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इससे याद होती हुई चीज़ भी तुम भूल सकते हो, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं ये कभी नहीं करती थी, बिकॉज मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट जितना आता है उतना मेरे माइंड में शांति से बना रहेगा। इससे सेंटर में जाके बैठ के, अभी तुम्हारे पास 15 मिनट हैं तो बुक खोल के बैठ गए, प्लीज़ वो सब मत करना, ये सब मतलब करके तुम रटने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, इससे तुम्हें आती हुई चीज़ें भी तुम्हारे दिमाग में ब्लर हो जाएंगी, ठीक है। तो चुपचाप जाकर सेंटर पर बैठो एकदम शांति से, एंड ट्रस्ट मी जब पेपर आएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओके आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, तुमने जो अब तक काफ़ी अच्छे से घर पर पढ़ा होगा तुम्हें वही चीज़ याद आएगी जो अभी तुम 2 मिनट पहले सेंटर में पढ़ के गए, उससे तुम्हारा सब एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है, वो मत करना। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट लिसन टू अदर स्टूडेंट्स, मतलब सेंटर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे बैठे थे हमारे क्लासरूम में एंड एक टॉपिक को लेके डिस्कशन करने लगे कि इसका आंसर ये होगा, तब बुक्स अलाउड नहीं थी अंदर, और ऐसे में आपस में ही वो ग्रुप कन्फ्यूज़ हो गया एंड मेरे तक वो लोग अप्रोच करने लगे कि आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है, तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी मुझे नहीं पता एंड आई जस्ट वेंट बैक टू माई ओन जोन, बिकॉज ऐसे लोग आपका पीस ऑफ माइंड एंड माइंड स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम अपने आप में रहो, पानी पियो, शांति रखो एकदम, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना। अगर तुम्हें अगर लग रहा है कि डाउटफुल है, तुम्हें ये नहीं आता है, 50-50 भी लग रहा है, प्लीज़ अटेम्प्ट मत करना। ये मत सोचना कि अंधा मार लेते हैं कि चलो देखा जाएगा जैसा भी होगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज तुम्हारे को बाद में पता चलेगा कि हो सकता है तुमने 50 सही किए हों,
लेकिन तुमने अगर 20 भी गलत अटेम्प्ट करे हैं ना, तो इंटू 0.25 कर लेना एंड तुम्हारे उतने लेस हो जाएंगे नंबर, तो अच्छा खासा पास होता हुआ एग्ज़ाम भी तुम्हारा फेल हो जाएगा। इसलिए ये गलती मत करना। अगर तुम्हें 100% श्योर है तभी तुम अटेम्प्ट करो वो वाला, बिकॉज MCQ में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो, आई होप दैट वॉज हेल्पफुल। एंड अभी मैं एथिक्स के लिए भी डालने वाली हूँ, CS प्रोफेशनल के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, तो इसे लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो, एंड तुम्हें और फिर जो भी हेल्प और गाइडेंस चाहिए होगी वो अब मैं ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।